वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कार मल्टी ब्रांड में आपका स्वागत है। और हमारे गाड़ी ब्रेजा है और इसमें स्टार्टिंग का इशू है, एग्जैक्ट क्या फॉल्ट है चलो आपको दिखाते हैं। और ये हमारे गाड़ी स्मार्ट की है, बटन ये देख सकते हैं। चलो इग्निशन को फर्स्ट ऑन कर लेते हैं। इग्निशन ऑन हो चुकी है हमारी। और इसमें फॉल्ट क्या है कि गाड़ी में हमारी सेल्फ नहीं हो रही है। और एग्जैक्ट क्या फॉल्ट है चलो चेक करते हैं। हमारा सेल्फ का इशू है, वायरिंग का इशू है, फ्यूज़ का इशू है, क्या है चलो चेक करते हैं, या बैटरी डाउन है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चलो एक बार सेल्फ मार के देखेंगे। और ये रहा इसका बटन, रुक एक मिनट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा रहा बटन, चलो दबाते हैं और सेल्फ नहीं हो रही गाड़ी हमारी। ये मैं रखा हूँ मतलब क्लच दबा के, अभी छोड़ दिया हूँ, अभी दबाया हूँ तो ये लाइट आ चुकी है। तो चलो सेल्फ मारते हैं, सेल्फ नहीं हो रही है। एग्जैक्ट फॉल्ट क्या है चेक करते हैं। ये कस्टमर का इशू है। और बहुत बार क्या होता है कि हमारी बैटरी भी डाउन होती है तो सेल्फ नहीं होती, या वायरिंग का इशू है तो फिर भी सेल्फ नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एग्जैक्ट फॉल्ट क्या है, आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये हमारा रहा बैटरी, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज, हमारा बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं है। और चलो चेक करते हैं। और ये हमारा रहा मीटर रहा, जो हम चेक करते हैं बैटरी हमारा कितना वोल्टेज है। और ये चलो चेक कर लेते हैं। और अभी हमने लगा दिया हूँ एक प्लस वाले में, एक माइनस वाले में, और ये हमारा वोल्टेज है। और इसमें साफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर ऐसा बिलिंग कर रही 1230 है, 15 देख सकते हैं, मतलब 1230 है वोल्ट, 1230 है। तो ये हमारा बैटरी फुल चार्ज है, इसका इशू नहीं है बैटरी का। तो अभी हम चेक करने वाले हैं सेकेंड में फ्यूज़। और ये अभी हमने लगा दिया हूँ माइनस में, और इग्निशन ऑन है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे इग्निशन ऑफ है, चलो इग्निशन ऑन कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं फ्यूज़। और अभी हम चेक करेंगे फ्यूज़, चेक करने वाले हैं फ्यूज़। सारा फ्यूज़ ऐसे ही हम चेक करेंगे एक एक करके, और देखेंगे कि हमारा फ्यूज़ ओके है नहीं है। तो यहाँ तक अभी तक फ्यूज़ तो ओके ही दिखा, ये तो एक्स्ट्रा फ्यूज़ है, और ये भी ओके है, इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा ओके है। अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे कि हमारा सेल्फ मोटर ओके है या कैसा है। तो अभी हम क्या करेंगे चलो चेक करते हैं। और ये अगर हमें मैनुअल चेक करना है तो कैसा चेक करेंगे, ये पीला वाला जो वायर है आपको जो इधर दिख रहा होगा, तो ये हमारा सेल्फ मोटर का वायर है ये। तो अभी इसको हम चलो चेक करते हैं। और यहाँ पर दे दिया हूँ देख सकते हैं एक वायर पीले वाले में, और यहाँ से देंगे प्लस में। खाली देख सकते ऐसा हो रहा है कि मतलब ये मेरा लग रहा है सेल्फ मोटर जल गया। अगर हमें चेक करना है कि सेल्फ मोटर में पावर आ रहा है कि नहीं तो कैसा चेक करें चलो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो टेस्टर है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे माइनस में दे देंगे, और दूसरा ये जो है ये हम यहाँ पर ऐसा लगा देंगे। राइट, लगा दिया हूँ, अब हम सेल्फ मारेंगे। और अभी हम सेल्फ मारते हैं, मारो सेल्फ, क्लच दबा के सेल्फ मारो। रुको एक मिनट, ये अच्छा ये क्या है बोले तो कभी कभी काम नहीं कर रहा है। चलो इसको हम ले लेते हैं टेस्ट लैंप। और अभी हम चेक करेंगे कि हमारा सेल्फ मोटर अच्छा है या ख़राब है। तो ये मैं ले लिया हूँ टेस्टर लैंप, आपके पास भी ऐसे ही अगर बल्ब होगा या टेस्टर होगा क्यों बोले तो। ये हमारा जो टेस्टर है, ये टेस्टर मतलब काम कर रहा है कभी कभी नहीं कर रहा है, तो इसका कुछ फॉल्ट है बोल के चलो इसको हम साइड में रख देंगे। और अभी हम चेक करने वाले हैं डायरेक्ट हमारा सेल्फ नहीं हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे अगर पावर सप्लाई हमारा ओके है तो हम डायरेक्ट अभी सेल्फ मोटर के पास चेक करेंगे। अगर यहाँ पर ओके है तो समझो हमारा सेल्फ मोटर ख़राब है। और अभी हम सेल्फ मारने वाले हैं, अगर यहाँ पे लाइट आ गया तो समझो कि हमारा ये ओके है। मारो सेल्फ, क्लच दबाए, मारो। अभी देख सकते हैं हमने सेल्फ मोटर ओपन कर दिया हूँ, और अभी चेक करेंगे कि सेल्फ मोटर का ही इशू है क्या। तो इसको चलो ओपन कर लेते हैं, ऐसा तो दिख रहा है जल गया है, दिख रहे हैं। चलो ओपन कर लेते हैं सेल्फ मोटर को, और अभी हम ओपन करने वाले हैं। चलो ओपन कर लेते हैं स्क्रू,
इसको निकाल लेंगे बाहर। खींच लो आ जाता, खींच लो, आ गया। चलो इसको अंदर देखते हैं क्या है, क्या है मसला। और ये रहा हमारा ऊपर का, और ये रहा कार्बन। कार्बन को हम ऐसा निकाल लेंगे, पूरा जल गया, देख सकते आप। और ये देख सकते हैं पूरा मतलब जल गया हमारा सेल्फ मोटर। तो इसको अभी हम चेंज कर देंगे, न्यू डालेंगे सेल्फ मोटर। इसके लिए गाड़ी सेल्फ नहीं हो रही थी, तो अभी चलो इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी देख सकते हैं हमने अभी ला लिया हूँ न्यू सेल्फ मोटर, और इसको अभी हम फिट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्यों बोले तो हमारा तो फॉल्ट तो मतलब मिल गया था, सेल्फ मोटर का था। तो इसको हम अभी चेंज करके देखेंगे कि हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं। चलो इसको चेंज करते हैं। अभी देख सकते हैं हमारा सेल्फ मोटर फिट हो चुका है, और ये, और बैटरी भी फिट कर दिया हूँ थोड़ा ये। चलो ये भी फिट हो चुका है, अभी हम सेल्फ मार के देखेंगे। और सबसे पहले चलो कर लेते हैं इग्निशन कॉन। और ये अभी लाइट आ चुकी है, और चलो अभी कार को स्टार्ट करते हैं। कार स्टार्ट हो चुकी है हमारी, देख सकते हैं कोई भी लाइट नहीं आ रही है। और हैंड ब्रेक की आ रही है तो वो डाउन कर दिया हैंड ब्रेक, वो भी चली गई लाइट। और अभी गाड़ी के अंदर कुछ भी इशू नहीं है, देख सकते आप। तो ये हो गया हमारा, सक्सेस हो गया है। गाड़ी के अंदर कुछ भी फॉल्ट नहीं है, और एसी वैसी भी अच्छी आ रही है। मेजर सिस्टम ये भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी चलो एक बार इग्निशन ऑफ करते हैं, सेल्फ मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गया सक्सेस। वीडियो में इसलिए बनाया हूँ आपके लिए कि अगर आपके पास कभी ऐसे ही गाड़ी आ जाए, सेल्फ ना हो, तो एग्जैक्ट फॉल्ट क्या है वो आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। क्यों बोले तो बहुत बार ऐसा होता है हमारी गाड़ी के अंदर कि हमारा बैटरी डाउन होता है फिर भी सेल्फ नहीं होती है, या फ्यूज जाके है फिर भी सेल्फ नहीं होती है, या सेल्फ मोटर हमारा खराब है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है हमारी गाड़ी के अंदर, जो सेल्फ मोटर नहीं जाता है कि बैटरी डेड हो जाती है हमारी गाड़ी के अंदर। तो इसके लिए इसके वजह से भी हमारी गाड़ी के अंदर सेल्फ नहीं होती है। तो हमारी गाड़ी के अंदर बैटरी ओके था, लेकिन सेल्फ नहीं हो रही थी। तो हमने डायरेक्ट चेक किया कि सेल्फ हमारा अच्छा है कि नहीं। तो सेल्फ तो जाके था हमारा खराब था, तो हमने ओपन किया सेल्फ, तो देखा तो पूरा जल गया, तो हमने न्यू डाल दिया सेल्फ। अभी न्यू डालने के बाद सेल्फ मोटर अभी सक्सेस हो गया हमारी गाड़ी। तो अभी अगर आपके साथ भी ऐसे ही रिलेटेड वीडियो, मतलब ऐसे ही आपके साथ भी मतलब गाड़ी आए ऐसे मतलब रिलेटेड कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है या कुछ भी इशू है, तो आप हमारे वीडियो में आके ऐसे ही मतलब कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारे वीडियो अच्छे लगा तो एक लाइक कर दे। थैंक यू।